वो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, गुजरात की ही तस्वीर। यहाँ नर्मदा में किस तरीके के हालात हैं, एक तरफ बारिश दूसरी तरफ जल भराव, इन समस्याओं से दो चार होते ये लोग ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझते हुए। अब तो दिक्कत ये हो गई है कि पानी घरों तक पहुंचने लग गया है। सूरत की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, पानी का बहाव आप देखिए कितना ज्यादा है, जो सड़कों के ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, जो पुल बनाए गए थे वहां पर इस तरीके के हालात हो गए हैं। और कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं जब पानी का बहाव तेज हो जाता है, लोग इन्हीं पुलों से निकलते हैं तो हादसे भी होते हैं। तो ये तापी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वलसाड़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पानी ही पानी चारों तरफ नजर आ रहा है। ये नवसारी की तस्वीर जरा देख लीजिए, यहां पर भी किस बहाव कैसा है पानी का अंदाज आप लगाइए। नडियाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ियां आपको दूर दिख रही होंगी, डूबी डूबी से नजर आ रही हैं। भारी बारिश के बाद हालात और खराब होने की आशंका भी जताई जा रही है। वडोदरा की तस्वीर जहां पर लगातार बारिश हो रही है, हालांकि पानी जल निकासी का प्रबंध भी किया गया है लेकिन भारी बारिश के चलते कई जगहों पर यह नाकाफी है। किस तरीके के हालात अब बिगड़ रहे हैं गोपी, हालात इस वक्त क्या है, क्या पानी की निकासी का कोई प्रबंध हुआ है और बारिश अभी कितना और सताएगी? देखिए, पानी के निकलने का किसी भी तरीके का इंतजाम फिलहाल अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए नहीं किया गया है। कई कुछ इलाके ऐसे हैं जहां से जो प्रशासन है वो लगातार पानी निकालने के लिए कार्रवाई कर रही है, लेकिन प्री मॉनसून प्लानिंग होती है कॉरपोरेशन की, ये प्री मॉनसून प्लानिंग जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे फेल मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल बारिश हुई थी और उसके बाद जिस तरीके से जल भराव हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों के घुटनों के ऊपर तक का पानी है, लोगों के घरों के अंदर पानी है, उनका यहाँ तक कि सोफा जो टीवी कैबिनेट ये सारी चीजें पानी में तैर रही है। इस तरीके के हालात अहमदाबाद के सैटेलाइट इलाके का है, सैटेलाइट इलाका जो कि पॉश इलाका माना जाता है अहमदाबाद शहर का, वहां के कुछ इस तरीके के हालात है। वैसे में मौसम विभाग ने अगले और 24 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, यहां तक कि स्कूल कॉलेजेस में आज छुट्टी अनाउंस कर दी गई है। साथ ही मध्य गुजरात की अगर बात की जाए तो मध्य गुजरात आणंद खेड़ा ये सभी जगह पे भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पंचमहल डिस्ट्रिक्ट छोटा उदयपुर सभी जगह, बोडेली में भी काफी तेज बारिश हुई थी जहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन तक करना पड़ा, एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई, 18 जितनी एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये होता है कि हर साल प्री मॉनसून प्लानिंग की तो कई सारी बातें की जाती है, करोड़ों रुपए यहाँ पे खर्च किए जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि कितनी परेशानी होती है, आप बताइए कितनी परेशानी होती है हमेशा इस तरीके से बाहर आना जाना? I'm not really in mood. देखिए हालात ऐसे हैं कि फिलहाल स्कूल कॉलेजेस जो ऑफिस के लिए निकलते हैं लोग, उनके लिए काफी ज्यादा परेशानी यहाँ पे हो रही है। यहाँ तक कि लोगों के लिए आप देख सकते हैं जो पानी है, जल भराव इतना ज्यादा है सोसाइटियों के अंदर, यहाँ तक कि ये अहमदाबाद के एक इलाके की बात नहीं है, अहमदाबाद का चाहे वो प्रहलाद नगर इलाका हो, वेजलपुर इलाका हो, वासणा इलाका हो, मणिनगर इलाका हो, हाटकेश्वर इलाका हो, जो माना जाता है कि पॉश इलाकों में से एक है, लेकिन लोगों को परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पानी इतना ज्यादा आ गया है और जिस तरीके से कल बारिश हुई थी लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।